सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे घर में एक बर्थडे होने वाली है और उसी की तैयारी जो है वो शुरू होने वाली है। ये मेरे हाथ में स्ट्रॉ है जिससे वो जो मार के जो हवाएं भरते हैं। ये तो इस व्लॉग को फिर शुरू करते हैं और शुरू हम कर रहे हैं बलून भरने से। इसकी प्रॉपर थीम बनानी है, थीम बर्थडे होगा और केक भी ऑर्डर हो चुका है। केक भी रात को दिखाएंगे, गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग भी आपके सामने होगी, जो साइड डेकोरेशन है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें बलून्स हमने भरने शुरू कर दिए थे और वो वाले देखें डोनट्स हैं, ठीक है, उसके मैचिंग के ये साथ में कॉम्प्लीमेंट्री जो बलून्स हैं ये वो हैं। ये हमने ड्रीम पार्टी वालों से मंगवाए थे ऑनलाइन और बहुत ज़बरदस्त इनके पास इस तरह के थीम्ड डेकोरेशंस होती हैं। ये चेक करें, ये आपका भाई भर रहा है स्ट्रॉ से, तो आइए फिर भरना शुरू करें। ये देखें फुल टैट हो गया काम। ये चेक करें, ये आपके भाई की मेहनत है, ठीक है, ये मैं आपको सारी मेहनत दिखाने लगा, सारी इंचें पड़ी है मेहनत मेरी। ये चेक करें, सारी मेहनत जो है ये आपके भाई की है। मजाक कर रहा हूँ कि इसमें मेरी बहनों की मेहनत भी है, वो भी लगी हैं मेरे साथ। तो ये चेक करें, ये डोनट्स हैं, ये रेम्बो है और ये जो बैलून्स हैं साथ वो हैं। मैंने ये भी मंगवाया हुआ है एयर पम्प, ये देखें सर बहुत स्पीड में ना हवा भरी जाती है। ये चेक करें, ये देखें कितनी स्पीड में भी इससे हवा भरी जाती है। चेक करें बलून्स की आर्ची जो है ये तैयार हो रही है। इसके पीछे साइंस ये है कि ये एक इन्होंने प्लास्टिक की स्ट्रिप दी हुई है जिसके अंदर हम बलून्स को इंसर्ट करते जाते हैं, तो ये इतनी प्यारी सी फिर शेप बन जाती है इसकी। ये जब लगेगा तो आपको मैं चेक कराता हूँ कि कैसी लुक निकलेगी। ये जी चेक करें, ये बर्थडे लिखा गया है, ये स्ट्रिंग थी इसके अंदर, इसको पिरो पिरो कर तो हमने ये बनाया। और ये जो पीछे जो रोने की आवाज़ आ रही है, ये बर्थडे गर्ल की ही रोने की आवाज़ है। ये जी पहला स्टेप हो गया, हैप्पी बर्थडे हमने लगा दिया। अब इसके बाद मज़ीद डेकोरेशन जो है वो स्टार्ट होने लगी है। ये जी आर्च हमने तैयार कर ली हुई है, ये देखिए माशाल्लाह कितनी बड़ी सी आर्च है। ये भी इसको बाहर जाके तो लगाते हैं। अब ये जो आर्च है इसको हमने ना इसके ऊपर से लगाना है इस तरह एल की शक्ल में, तो अब इसको शुरू करने लगे लगाना। ये जी आर्च लग गई है माशाल्लाह, इसकी लुक चेक करें ऊपर से हल्की तरह आ रही है। और अब ये जो जगह है एम्प्टी इसको भी भरेंगे। ये हमारे पास काफ़ी सामान पड़ा हुआ, डोनट्स हैं, काफ़ी चीज़ें पड़ी हैं अभी। ये जनाब सेटिंग चल रही है अभी, इसको इंशाल्लाह फाइनलाइज सारा कुछ लगा करना तो लास्ट पर प्रॉपर तरीके से सेटिंग की जाएगी और फिर आपको दिखाऊँगा मैं। ये काफ़ी हद तक डेकोरेशन हो गई है, तो आइए मैं आपको मैं चेक कराता हूँ। A few hours later. देखो क्या हाल हुआ है मेरा, और 9:30 हो चुके हैं और अभी तक मैंने कपड़े, मुझे पता भी नहीं पहना क्या है, ठीक है, ये तो सुबह के मैंने कपड़े पहने हुए, मैंने नहाना है, कपड़े देखने मेरे पास है क्या। लो जी इधर तो सारे बेगम के कपड़े हैं, सिर्फ दो शर्टें हैं, ये नहीं पहननी। यहाँ पे भी मेरे कोई नहीं है, यहाँ पे सारे अनप्रेस्ड हैं, क्या पहने यार। मुझे पता लगा कि इस वाले जो रूम के अंदर अलमारी है ना, इसके अंदर मेरी कुछ शर्ट्स प्रेस हुई हुई हैं। हाँ ये हैं, यहाँ पर ये कैसी है, ये टाइट है, मुझे ये भी टाइट है, सारी टाइट है। मसला ये है कि कपड़े सारे टाइट हैं, लेकिन इसके अंदर एक टी शर्ट पहन के ना ऊपर ये पहन लेता हूँ, ये गेम से ये बटन भी लगाने पड़ेंगे तो लोगों को लगेगा कि फैशन भी ठीक किया हुआ है ना। मैंने लोग हैं यार ये शर्ट पहन रहा हूँ, नीचे ये काली पैंट है और ये काली बीच में टी शर्ट है। ये अब मैं नहाने जा रहा हूँ और पहन के आके आपको फिर दिखाता हूँ कि लुक्स कैसी हैं। तो जी भैया का तैयार हो गया है और अब हमने जाना है केक लेने। केक हमने एक जगह से ऑर्डर किया है, होम बेस्ड शेफ़ हैं,
उनका नाम मुझे याद नहीं है, केक्स बाय इरम करके था सियालकोट में, वो बहुत बेहतरीन किस्म के कस्टमाइज केक बनाती हैं वो। तो वो लेने जा रहे हैं अब और केक लेकर, तो आके फिर देखते हैं। केक लेने निकल गए हुए हैं और केक तैयार है, बस जाकर केक लेके आकर तो घर आते हैं, फिर केक काटते हैं। केक पिक कर लिया और बस अभी आपको प्रॉपर तरीके से मैंने दिखा रहा, घर जाके दिखाते हैं आपको। केक यार हमने ले लिया, लेकिन लेट बहुत ज़्यादा हो गया है। मैंने घर फ़ोन किया कि भाई खाना लगा दो, मेरा वेट ना करना, क्योंकि अभी दूर जाना था, फिर उसका घर नहीं था मिल रहा जिससे केक लेने गए थे, वो भूल भुलैया थी। तो है अल्हम्दुलिल्लाह केक ले लिया, अब हम बस घर की तरफ ही रवाना है, बस 3-4 मिनट तक घर पहुँच रहे हैं, फिर केकिंग बॉक्सिंग करते हैं और केक काट के तो केक को खाते हैं। अब केक जो है ये अंदर जा रहा है। ओए होए होए होए, खाना जनाब लग चुका है, जिनमें पुलाव, शवारमा, दम कबाब और कोरमा शामिल हैं जी। केक चेक करें, ओए होए होए होए, फ्रिज के अंदर देखें, ओए होए। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। कितना को मजा आ रहा है यार, तुमने केक तुन के खाया था ना, देख रहा हूँ ना, टिकाया सही से टिकाया है। मैंने भी बहुत ज्यादा केक खाया है, इस बच्चे ने बहुत खाया केक है ना। A few moments later. ये जनाब आ गए मुंतहा गिफ्ट्स, इसमें ये एक गाड़ी है जो कि बैठ के चलाती है, ये खिलौने हैं कुछ जो ये बोल बोल के चलते हैं, जो इस तरह की जैसा आइसक्रीम कार्ट है। फिर इसके अंदर कुछ स्नैक्स वगैरह हैं, इसके अंदर भी कुछ गिफ्ट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, स्नैक्स हैं। फिर ये इजी चेयर है जो कि बच्चा जिस पर बैठ के खाना वगैरह खाता है, काफ़ी ऊंची सी। ये इसकी सलामियां हैं जो कि इसके माँ बाप के पास आ जाएंगी। और ये गिफ्ट है, इसका नहीं पता इसके अंदर क्या है। ये भी कुछ स्नैक्स हैं, ये एक डॉल है जिसकी गर्दन कटी हुई थी लेकिन अब ठीक हो गई है। और ये चूज़ा है बड़ा प्यारा सा, इस बॉक्स के अंदर से निकला था। और ये भी इसके अंदर लग रहा है कोई शर्ट वगैरह है, ठीक है। और इसके अंदर भी कोई सामान है, और इसके अंदर कोई फ्रेम सा लग रहा है, तो इनको खोल के चेक करते हैं। ये बैलून्स है कुछ, पहला गिफ्ट खोल रहे हैं। और ये बहुत ही प्यारा सा ड्रेस है, फ्रॉक टाइप मुझे लग रहा है। वाओ यार, हॉपस्कॉच ब्रांडेड, ये देखें ये कितना प्यारा सा, ये तो जंप सूट है यार, बड़ा प्यारा सा देखें, ये जंप सूट है। अगला तोहफा जो है ये खुल रहा है, तोहफा निकला है। वाओ ये बड़ी प्यारी सी है, एक डक है जो कि अंडा देती फिरेगी, इसके अंडे की तरह। ये देखें, मुबारक हो, सुबह का नाश्ता आ गया। अगला गिफ्ट ओपन हो रहा है और ये एक फ्रेम मालूम होता है, बड़ा प्यारा सा लग रहा है। वाओ यार ये मुझे मुंतहा की ना वो फर्स्ट ईयर की टाइमलाइन लगती है, माशाल्लाह इसका फर्स्ट ईयर, सारी फोटोज हैं फर्स्ट ईयर की। अगला गिफ्ट ओपन हो रहा है और ये कोई बारबी सेट टाइप कोई चीज़ लग रही है, प्यारा सा देखें, ये सेट है बारबी डॉल सेट। अगला गिफ्ट है और ये एक ट्रैक है जिसके अंदर चूजे जो हैं ये घूमते फिरते रहते हैं। ये आ गया अब नेक्स्ट गिफ्ट, ये है टीथर और इसके अंदर शूज़ हैं और ये मुख्तलिफ खिलौने से हैं, ये फीडर टाइप मुझे लग रहा है, चॉकलेट्स हैं जो इसकी अम्मा खा लेंगी। और ठीक हो गया, ये अगला गिफ्ट ये खोलो, ये इसके अंदर है एक बारबी और ये इसका एक खिलौना, इस पर बारबी शायद बैठेगी और एक्सरसाइज करेगी। ये देखें ज़बरदस्त, नेक्स्ट तोहफा खुल रहा है, ये एक ड्रेस है बड़ा प्यार सा, मुझे ट्रैक सूट लग रहा है। ठीक हो गया, और क्या है, ये शर्ट है, ये रोमपर है, ठीक है। और एक और ड्रेस निकला है, ये एक फ्रॉक सी है और साथ में इसके ट्राउज़र है। ये एक और ड्रेस निकला है इसके अंदर से, ये मुझे शर्ट सी लग रही है, साथ ट्राउज़र है। एक ये स्टफ टॉय निकला अंदर से मुंतहा के खेलने के लिए, बड़ा प्यारा सा। गाड़ी हम खोल रहे हैं, ये इसे बैठ के सैर करेगी, ये खुद जाए करेगी कैंट सैर करने के। ये हारन है, हेडलाइट्स में आँखें लगी हुई हैं, ठीक है। और लगता है ये सेल भी हैं, और ये गाड़ी है,
गाड़ी पे बैठ गई है, फुल खिलौने खिलौने चल रहे हैं हर जगह, और ये गाड़ी के ऊपर बैठ गई है। ओ गई हो गई, आत्मा जो है ये चला रही है साइकिल, भुट्टो साहब जा रहे हैं। नेक्स्ट आई है इसकी हाई चेयर, यहाँ पे पाँव रखने की जगह ये टेबल है, और ये बड़ी जबरदस्त फोल्डिंग वाली एक चेयर है, फोम पैडिंग वगैरह भी हुई हुई है। कैद करने के लिए अब ये आ गई है, ये कैद हो गई है, इसके अंदर फंस चुकी है। अब इसमें से 18,000 निकले हैं सलामी में से, तो ये मैं रख लगाऊँ, क्योंकि जाहिर है कि पैंपर शैम्पर भी तो मैंने लाने होते हैं ना, तो ये फिर मेरे पास जाएंगे ये सारे, ठीक है ना। और साथ में एक ये गिफ्ट मिला है मुंतहा को, ये एक बड़ा प्यारा सा झूला है, ये चेक करें, ऊपर ये छत बनी हुई है इसकी, और नीचे जो है ये एक स्विंग है। भाई बर्थडे हो गई है माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, और आप सब जो जो लोग आए थे आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस बर्थडे को बहुत ज़बरदस्त बनाने के लिए, और अब बहुत थक गया हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।